सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टूडेंट पोर्टल से बेसलाइन टेस्ट के पेपर किस तरह से बेसलाइन पेपर के मार्क्स भरने के लिए एक्सेल शीट किस तरह से डाउनलोड की जाए और उसके अंदर किस तरह से मार्क्स भरे जाए और उसके लिए क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन है और उसको किस तरह से अपलोड किया जाएगा, इसके बारे में आज वीडियो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट डेटाबेस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना यूटिलाइज नंबर डालना है, पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा। और हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद इसके आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट एंट्री, प्रमोशन, अटैच ट्रांसफ़र, एक्सेल, एक्सेल में आपको जाना है और डाउनलोड क्वेश्चन वाइज इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, डाउनलोड सेपरेट एक्सेल शीट फॉर ऑल सब्जेक्ट एज पर स्टैंडर्ड। तो आपको हर स्टैंडर्ड की अलग अलग आपको डाउनलोड करना रहेगा। इंटर क्वेश्चन वाइज मार्क्स एज पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट रिक्वायर। तो हमको जैसे हमको यहाँ पर क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज जिस तरह से दिया, हर स्टूडेंट के हमको मार्क्स यहाँ पे भरना है। इंटर मार्क्स लेस देन और इक्वल टू टोटल मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जो मार्क्स दिए हैं उसके इक्वल में भरना है या फिर उससे कम में भरना है। अगर आप उससे ज़्यादा भरेंगे, जैसे 4 मार्क्स का अगर पेपर जो क्वेश्चन है और उसमें अगर आप 5 भरने की कोशिश करेंगे तो वो लॉक है, वहाँ पर एरर आ जाएगा। तो इसलिए आपको जो है ख्याल रखना है कि जो दिया हुआ मार्क्स है उससे कम या उसके इक्वल में भरना, उससे ज़्यादा नहीं। अगर फाइल आप अपलोड भी करेंगे तो आपको अपलोड के बाद भी एरर दिखाई देगा रेड कलर के अंदर। इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ रिजेक्टेड वाइल अपलोडिंग अ शीट, नो स्टूडेंट इन द शीट इज़ अपलोडेड, करेक्ट द एरर एंड अपलोड फुल शीट अगेन। अगर आपने अपलोड कर दिए और आपको कोई एरर नज़र आता है तो वहाँ पर उस एरर को आप पढ़िए कि किस चीज़ में कौन से स्टूडेंट का एरर दिखा रहा है। आपको स्टूडेंट की आईडी में, स्टूडेंट की आईडी के साथ एरर दिखाएगा, आपको उस एरर को शीट के अंदर करेक्ट करना है और करेक्ट करने के बाद फिर उसको आपको वापस से अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर 2018-19 लेते हैं, एकेडमिक ईयर एग्ज़ाम बेसलाइन और क्लास मैं लेता हूँ सेकंड। उसके बाद डिवीज़न, अगर आपके पास डिवीज़न बहुत सारे हैं, 2 डिवीज़न है, 3 डिवीज़न है, तो आप अपने अपने डिवीज़न के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट। अभी यहाँ पर उर्दू मीडियम है तो यहाँ पर उर्दू दिखाना चाहिए, लेकिन शायद आप पूना से यहाँ पर यह फाइल का जो है कुछ एरर है जिसके से यहाँ पे इंग्लिश दिखा रहा है। तो जैसे ये फिक्स होगा यहाँ पर इसका उर्दू लैंग्वेज दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, फर्स्ट लैंग्वेज मराठी और मैथमेटिक्स। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज ले लेता हूँ, उसको अभी डाउनलोड करेंगे। जैसे हम डाउनलोड के भी क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको एक फ़ाइल दिखाई देगी, इस पर हमको इस फाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आपको इसको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर एक इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आपने इस पर क्लिक नहीं किया तो आप इसको कुछ एडिट नहीं कर सकते, इनेबल करना है आपको। इनेबल करने का देखिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया, एकेडमिक ईयर 2018-19, स्कूल का यूटिलाइज नंबर, एग्ज़ाम टाइप बेसलाइन, स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज और डिवीज़न ए। यहाँ पर उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज हमारा आएगा, लेकिन अभी शीट उर्दू की शीट अभी अपलोड नहीं है, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जब तक अपलोड हो जाएगी तब तक जो लोग ये शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं वो इस वीडियो के ज़रिए डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो स्टूडेंट आईडी दिया है, आपके जितने स्टूडेंट हैं आप इसमें इस तरह से आप सेलेक्ट करके देख लीजिए कि स्टूडेंट आपके इक्वल है कि नहीं। अभी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पर देखिए 56 दिखा रहा है, तो यानी मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से शीट के अंदर नाम बराबर है। अगर आपने आपकी शीट में स्टूडेंट के नाम कम है तो आप देखिए कि कौन से नाम इसमें अपलोड नहीं है, क्या एरर है।
तो इस तरह से आप एक चेक कर लीजिए सिलेक्शन करके। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर काउंट देखिए 56, ये नंबर जो दे रहा है ये शीट का नंबर मत देखिए, यहाँ काउंट पे देखिए 56। अगर आपका स्ट्रेंथ सही है, यहाँ पर आपके क्लास में अगर 56 है और यहाँ भी 56 दिखा रहा है, मतलब कि आपके बच्चे यहाँ पर बराबर अपलोड हुए हैं, शीट के अंदर बराबर नाम है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट दिया हुआ है और ये पहले क्वेश्चन में 4 मार्क्स का जो मैक्सिमम 4 मार्क्स है पहले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में 2 मार्क्स है, थर्ड क्वेश्चन में 5 है, फोर्थ क्वेश्चन में 5, फिफ्थ क्वेश्चन में 4। इसके बाद ओरल दिया है 6th में 4 मार्क्स और 7th में 6 मार्क्स, इस तरह से टोटल 30 मार्क्स है। ये टोटल आपके 20 मार्क्स होंगे और ये 10 मार्क्स आपके ओरल के, इस तरह से 30 मार्क्स आपके हो गए। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा, जैसे कि यहाँ ये पहला बच्चा, ये अगर एब्सेंट है तो आपको यहाँ पर एब्सेंट सेलेक्ट करना और यहाँ पर कुछ भी चीज़ आपको भरना नहीं है, कोई भी इसको ब्लैंक छोड़ देना। बाकी अगर प्रेजेंट है तो आप उसके नंबर भरिए, 4, 2, 5, 5। अभी यहाँ पर 5वें पे 14 है और मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया तो ये ले तो लेगा नंबर, ठीक है। यहाँ पे इसके मैक्सिमम 4 मार्क्स है और मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ये 4 है मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ 6 है मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया या 5 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सब जो मैक्सिमम मार्क्स है वो बराबर भरा, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 मार्क्स है और मैंने 5 भरा। जब मैं ये फाइल अपलोड करूँगा तो मुझे स्टूडेंट के इस आईडी पे ये एरर बताएगा रेड कलर में, और वो एरर आपको स्टूडेंट के आईडी के साथ बताएगा। फिर आपको इस फाइल को, जो आपकी ओरिजिनल फाइल है सीएसवी नहीं, जो आपकी ओरिजिनल डाउनलोड फाइल है जिसमें आपने इंट्री किए थे, डेटा एंट्री किए थे, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर एरर है। फिर आप मैक्सिमम मार्क्स देखिए कि हाँ यहाँ पर 4 है और मैंने 5 भर दिया रॉन्ग गलती से, तो आप उसको फिर 4 कर दीजिए। उसके बाद फिर आप इसको CSV बनाइए और फिर अपलोड कीजिए, आपका एरर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से मार्क्स भरते टाइम आपको इसको ध्यान दीजिए। अब CSV बनाने का फॉर्मेट कैसा है ये मैं आपको बताता हूँ कि आप फाइल में जाइए, फाइल में जाके आप यहाँ पर सेव एस पे क्लिक कर सकते हैं या सेव एंड सेंड पे क्लिक कर सकते हैं। तो सेव एस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने का इसका फाइल का नाम अभी आपके पास यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, यहाँ फाइल का नाम नहीं है, तो आपने जो फाइल डाउनलोड की थी तो आप ये 3 जो डॉट डी है यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, ये आपकी फाइल यहाँ पर है। तो इस फाइल, ये फाइल आपकी जो है इसको आप रीनेम कीजिए, रीनेम करने का दिए आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी, सेलेक्शन हो गया, उसके बाद कॉपी कीजिए। कॉपी होने के बाद आपकी जो फाइल आपने यहाँ पर सेव करने के लिए, ये आपको CSV बनाना है, तो CSV बनाने के लिए आपने जब सेव पे किए तो यहाँ पर फाइल का नाम नहीं दिखा रहा है, कभी कभी फाइल का नाम दिखाता है, अगर नहीं दिखाया तो मैंने जो तरीका बताया डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके अब यहाँ पे ये नाम इंटर कीजिए, जैसा ये नाम दिया हुआ है वही नाम आपकी फ़ाइल में होना चाहिए। अब इसको आप CSV सेलेक्शन कीजिए, ये एक्सटेंशन में जाइए, यहाँ पर आपका दिया है CSV कॉमा डिलिमिटेड, इस पर क्लिक कीजिए और फिर आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दीजिए और उसको यस कीजिए। यस करने के बाद अब आप डेस्कटॉप पे देखेंगे तो आपको ये फाइल CSV में नज़र आएगी, ठीक है, ये CSV फाइल ये आपको नज़र आएगी। आप इसको फाइल होने के बाद आप इसको यहीं एक्सेल से आप इसको अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको फाइल चूज़ करना है, फाइल चूज़ करने के लिए आपने ये डाउनलोड की फाइल है आपने डेस्कटॉप पे सेव की थी, तो डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप पे ये फाइल लीजिए और इसको ओपन कीजिए, तो ये आपकी फ़ाइल यहाँ पर नज़र आएगी CSV, और फिर इसको आप अपलोड के ऑप्शन पर दबाइए। जैसे अपलोड पर बताएंगे आपका स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 1 के बाद आप चेक कीजिए आपके स्टूडेंट पूरे हैं या नहीं है, 56 स्टूडेंट रहे या 20 स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट रहे आपके यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको वो स्टूडेंट की लिस्ट बताएगा। जैसे ही आपकी लिस्ट में टोटल स्टूडेंट सही बता रहा है आप सेकंड स्टेप पे क्लिक कीजिए, और सेकंड स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी, आपका काम ख़त्म। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसके बाद मैं फिर
एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।